माई चैनल। सो आई होप यू ऑल आर गुड। यार फाइनली मतलब अपन को वापस यूक्रेन जाना पड़ेगा, वही वॉर जोन में है ना, 7-8 महीने बाद। तो मैंने सोचा आपको बता दूँ कि भाई अपन निकल रहे हैं। तो अपनी 25 तारीख को फ्लाइट रहेगी सुबह 6:30 की। तो मतलब मेरे को 23 तारीख को ही निकलना पड़ेगा, क्योंकि मैंने कोई फ्लाइट वगैरह नहीं करी है मतलब मुंबई के लिए, बाय बस ही जाऊँगा। तो डर तो बहुत लग रहा है कि अभी भी वॉर चल ही रहा है, मतलब आपको तो पता ही होगा सब कुछ, न्यूज़ वगैरह में तो चल रहा है ना। इनफैक्ट वहाँ चल ही रहा है वॉर, ऐसा न्यूज़ में क्या चलना, वॉर कंटिन्यू है अभी भी। पर अपने पास कोई चॉइस नहीं है भाई, चॉइस होती तो कुछ करते। अभी अपन, आपको पता है कि मैं 5th ईयर में हूँ, 5th ईयर मेडिकल स्टूडेंट, तो फिर अपन को जाना ही होगा। ये ऐसा भी है कि मतलब ये चॉइस मेरी, अदरवाइज चॉइस तो बहुत सारी है पर अपने पास में अब हो, बहुत सारी चॉइस है भी और नहीं भी, ऐसा भी सोच सकते अपन, ठीक है। तो अभी वहाँ जाना है अपन को, तब वहाँ पर वॉर जोन है, तो वहाँ पर जो अपना एयरवे रहता है वो तो बंद ही है, पूरा फ्लाइंग जोन पूरा बंद है। तो अपन को दूसरी कंट्री होके निकलना रहेगा, जाना पड़ेगा। तो अब यही है, तो 25 तारीख की अपनी फ्लाइट है, ठीक है, फ्लाइट है, अपन वहाँ बैठेंगे मस्त। टर्किश एयरलाइन अपनी, वहाँ से जाना है अपन को। तो वीडियो स्टार्ट होने से पहले, या फिर अंदर वहाँ एयरपोर्ट पर पहुँचने से पहले, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो, मतलब अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ जाकर सब्सक्राइब करो और भाई शेयर करो, ठीक है। क्योंकि इस वाली वीडियो में मैं वो सब बताऊँगा, आपको थंबनेल से समझ में आ गया होगा, पर देन टू कि मतलब अपन ने वीज़ा कैसे क्या लगाया, क्या करना पड़ रहा है वहाँ पर, क्या पूछ रहे हैं, क्या चल रहा है, ठीक है, सारी चीज़ें कवर करेंगे अपन, करने की कोशिश रखेंगे पूरी, ठीक है। तो फिर अपन मिलते हैं पूरे होशो हवास एकदम मस्त, फिर अपन पहुँचते हैं यूक्रेन, फिर चलते हैं, है ना, ठीक है। तो अपन फिर 25 तारीख को मिलते हैं, ठीक है। एक दिन पहले शूट करना पड़ रहा है, क्योंकि उस टाइम पे फिर हो नहीं पाएगा, क्योंकि अब घर वाले छोड़ने आएंगे, फिर समझ रहे हो आप लोग, है ना, ठीक है। तो अपन मुंबई में मिलते हैं एयरपोर्ट पे डायरेक्ट, चलो। हाँ तो भाई साहब अपन पहुँच गए डायरेक्ट यूक्रेन। इसके पहले की वीडियो वगैरह मैंने बनाई थी, मतलब मैं जब इस मुंबई पहुँचा, 25 तारीख को अपनी फ्लाइट थी सुबह 6:50 की, तो वीडियो वगैरह बनाई भाई, पता नहीं क्या हुआ माइक में इतना कुछ बोला सारा सोच सोच के और कुछ भी आवाज़ ही नहीं आई, मैंने बाद में चेक करा था। तो फिर इसके पहले की सारी वीडियो मतलब छोटी छोटी क्लिप्स वगैरह जो है वो तो आपको दिख गई है, ठीक है। पर अभी जो भी जैसे कि अपने को जो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स होते हैं, वीज़ा कैसे लगवाते हैं कैसे क्या, तो मैं फटाफट स्पीड में बोलूँगा, क्योंकि ज़्यादा टाइम
रहेंगे तो फिर वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, है ना। तो यार सुबह 6:50 की फ़्लाइट थी मेरी, तो मैं करीब मेरे दोस्त के घर पर रुका था क्योंकि एक दिन पहले मैंने मुंबई घूमा, तो मैं उसकी वीडियो भी आपको डालूंगा, मैं ज़रूर आपको दिखेगी, बहुत शानदार बहुत घूमा मैंने एक ही दिन में पूरा मुंबई नाप दिया। तो भाई उसके लिए मतलब मैं 23 तारीख को निकल चुका था, तो अपनी 25 तारीख की फ़्लाइट थी सुबह, ठीक है। तो मैं रात को निकला करीब 2-3 बजे, हाँ 2-3 बजे मुंबई पहुँच गया अपने एयरपोर्ट में। तो वहाँ पर आकर कुछ भी कोई टेंशन नहीं हुआ, पहले तो मेरे को घबराहट बहुत हो रही थी क्योंकि मैं अकेला ही था, मेरे साथ कोई भी नहीं था, मतलब मेरे को कोई मिला भी नहीं कि यूक्रेन जाने वाला कोई बंदा मिले मेरे को, ऐसा करके कोई था नहीं। तो फिर टर्किश एयरलाइन वाली अपनी फ़्लाइट थी, तो जैसे अपन एंटर करते हैं वहाँ पर बोर्डिंग के लिए, मतलब जब अपन को कार्ड मिलता है बोर्डिंग वाला, बोर्डिंग अपन जल्दी करवा दी क्या तो अब टिकट वगैरह मांगा उन्होंने मेरे से, तो मैंने टिकट वगैरह बाहर ही दिखाना पड़ता है वो तो, और पासपोर्ट दिखाया, उसके बाद जब अंदर गए अपन चेक इन के लिए, तो चेक इन के टाइम पर, यस चेक इन के टाइम पर वहाँ पर मेरे से पूछता है वो बंदा कि जो भी एयरलाइंस वाले जो भी रहते हैं ना अपने, उन लोग पूछते मेरे से कि भैया आपके पास में कहाँ जाना है आपको, तो मैंने बोला मैं यूक्रेन जा रहा हूँ, तो बोलता है कि यूक्रेन, तो मैंने बोला हाँ यूक्रेन जाना है, तो बोले अच्छा तो कौन सी कंट्री के थ्रू जा रहे हो, तो मैंने बोला मोल्दोवा होके जा रहे हैं। तो पहले उसने मेरे से वहाँ का वीज़ा मांगा, फिर उसके बाद यूक्रेन की जो अपनी रेसिडेंशियल कार्ड है ना अपना टेम्प्रेरी वाला, वो पोस्ट विथ का जिसको बोलते हैं अपन, वो मांगा उसने। फिर उसके बाद मैं बोलता कि ठीक है, फिर मेरे को उसने जो अपना बोर्डिंग पास होता है ना वो उसने मेरे को दिया ही नहीं, मेरे को बोलता कि आप साइड में आके खड़े हो, तो मैं फिर से डर गया कि भाई क्या हो गया ये ऐसा क्यों बोल रहा है। तो फिर खड़े रहा फिर 15-1 मिनट, अब उस टाइम पे जब मैं चेक इन कर रहा था तो उस टाइम पे वो जो बंदी थी वहाँ पर बोर्डिंग पास जो प्रोवाइड करती है अपन को, वो मेरे से मांगते कि भैया आप पहले अपना बस का टिकट दिखाओ, तो मैंने वो दिखाया, फिर ई वीज़ा जो रहता है अपना मोल्दोवा का वो दिखाया। तो ये सारी चीज़ें उसने पहले अपने फ़ोन से फ़ोटो ले ली और उनका कुछ ग्रुप वगैरह होता है वहाँ पर डाली, ठीक है। तो उसके बाद में मैंने बोला चलो ठीक है, तो फिर साथ में जो बंदा आया था उसने बोला साइड में खड़े हो, फिर वहाँ पर वो बोलता कि आपके पास में कॉलेज के परमिशन है वो इनविटेशन लेटर है ये सब मांगने लग गया, तो अपने कॉलेज में वैसे ही प्रोवाइड किया हुआ था उनको, तो मैंने वहाँ शो करा उसको। तो ये शो करने के बाद में उसने मेरे को बोला कि हमें बहुत सारे स्टूडेंट्स को हमने अपने घर भेज दिया उनके वापस, क्योंकि उनके पास में पूरे रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स थे नहीं। तो मेरा ये रहेगा कि भाई आप सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह लेके घूमो, मतलब लेके जाना ही ऑब्वियसली, नहीं तो पता लगे वो तो एयरलाइंस तो गई, फिर आप भी अलग डिप्रेशन में हो जाओगे कि भैया क्या हो गया एकदम, ठीक है। तो ये अपन को क्या क्या चीज़ें रखनी है, देखो पोस्ट का रखना है, पासपोर्ट तो है ऑब्वियसली, और अपने टिकट सॉफ्ट कॉपी चलेगा, हार्ड कॉपी नहीं भी होगा तो कोई दिक्कत नहीं है ना। और उसके बाद में अपने हैं बस की टिकट, मोबाइल में चलेगा, ई वीज़ा आप है ना उसकी एक हार्ड कॉपी निकलवा लेना, क्योंकि जब अपन यहाँ पर मोल्दोवा में आएंगे तो ये लोग यहाँ पर मांगते हैं, क्योंकि वो स्टैंपिंग वगैरह उस पर भी होती है, ठीक है। मैं अभी बताता हूँ कि वो कैसे क्या होती है। फिर ये सारी चीज़ें आपको एयरपोर्ट पर मांगेंगे, फिर जब अपन अंदर इमिग्रेशन के लिए जाते हैं तो वहाँ पर कुछ भी नहीं होता, जस्ट वो अपने से वापस से अपना पोस्ट का मांगेगी, पासपोर्ट मांगेगी, उसके बाद में ख़त्म, कोई चेक इन कुछ भी नहीं हो रहा है, ठीक। फिर अपनी फ़्लाइट थी मस्त, फिर मैं इस्तानबुल वहाँ पर पहुँचा, फिर उसके बाद में इस्तानबुल में भी कुछ भी नहीं पूछा मुझसे, नॉर्मल वही चेकिंग वगैरह होती है, बैग वगैरह सब क्लियर हो गया, कोई पूछताछ नहीं थी वहाँ पर। मतलब मैं इसके लिए मुंबई, मैंने हमेशा इसके लिए प्रीफर करा कि मैं मुंबई में ज़्यादा कोई टेंशन नहीं होती है, दिल्ली से मेरा मतलब एक्सपीरियंस बहुत ख़राब रहा है हर बार, तो इसके लिए मैं हमेशा मुंबई से जाता हूँ, 2-3 बार मैं दिल्ली से गया हूँ, तो इसके लिए मुंबई से जाना प्रीफर करता हूँ। और फिर अपन इस्तानबुल पहुँचे, फिर इस्तानबुल के बाद में 2.5 घंटे की मेरी लेवर थी, फिर अपन मोल्दोवा पहुँचे। मोल्दोवा में मैंने वहाँ पर गया जब इमिग्रेशन के टाइम पर, तो उन्होंने मेरे से फिर से वीज़ा मांगा, ठीक है। फिर वो मेरे को बोलते कि यूक्रेन जा रहा, तो मैंने बोला हाँ यूक्रेन जाना ऑब्वियसली। फिर उसने कुछ भी नहीं पूछा, अपना पोस्टविथ का और पासपोर्ट और जो अपना ई वीज़ा, ये अपने हाथ में रखना है, ये अपने को हार्ड कॉपी चाहिए, फिर से बोल रहा हूँ ई वीज़ा का हार्ड कॉपी चाहिए, ठीक है, वो लोग मांगते हैं पक्का। फिर उसके बाद में अपनी बैग वगैरह लो, अब यस अब आती है बात कि आपने अब ई वीज़ा वगैरह कैसे क्या करना है रहता है, ठीक है। तो अपनी जो ई वीज़ा मोल्दोवा का जो साइट है उस पर जाना है अपन को, साइड में आप खुले हुए दिखेगी, मैं दिखा रहा हूँ, है ना। तो वहाँ पर जाकर आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने रहेंगे, वो करीब अगर मान लीजिए 7 डेज़ में आ जाता है, फॉर एग्जांपल 7-6 डेज़ में, फॉर एग्जांपल अगर आपने मंडे को रिक्वेस्ट डाली है प्रोसेस के लिए, तो डेफिनेटली वो फ्राइडे तक तो आ ही जाएगी, ठीक है। तो अपन को उस चीज़ में क्या क्या लगेगा, देखो पहले अपन को लगेगा कि अपना जो इन्विटेशन लेटर है अपने कॉलेज का वो, फिर अपना एक पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो जो कि JPG में होना चाहिए, ठीक है, फॉर्मेट में, और अपना जो इन्विटेशन लेटर है ये अपने को अपना PDF फाइल में होना चाहिए,
फिर अपनी जो एयरलाइंस की टिकट होती है उसकी उसको भी पीडीएफ में चाहिए, फिर पासपोर्ट को भी आगे पीछे जो रहता है उसको भी अपने को पीडीएफ में चाहिए रहेगा, फिर पोस्ट विथ का। और यस, अब यहाँ पर आती है अपनी जो इनविटेशन लेटर मैंने बता दिया, अब वो जो अपन पेमेंट जब करेंगे तो उसमें एक अपन को रिसिप्ट मिलेगी पेमेंट की, उसको भी अपने को अपलोड करना रहेगा, ठीक है, वो भी पीडीएफ में होना चाहिए। ये सारे डॉक्यूमेंट्स हो गए, और उसको जब अपन अपलोड कर देंगे तो अपने को एक कन्फर्मेशन दो तीन मेल आएंगे, अगर आप वो मान लो जो भी पैसा लगता है, ठीक है, जब आप करोगे तो आपको पैसा पता लग जाएगा कितना क्या पैसा लग रहा है, पर ये प्रोसेस है, इसमें ये सारी चीज़ें होना चाहिए। वो एक ही चीज़ जो कि है फोटो अपना, उसको JPG फॉर्मेट में होना, बाकी सारी चीज़ें PDF में होना चाहिए। मुझे भी नहीं पता था, मुझे बाद में पता लगा क्योंकि मैंने किसी और से करवाया था, तो मैंने सोचा कि आप लोगों को इन्फॉर्मेशन ज़्यादा अच्छी रहेगी देने, तो इसके लिए ध्यान में रखना है कि सारी चीज़ें PDF में, और एक चीज़ अपना जो फोटो है, फोटो अपना पासपोर्ट साइज, उसको JPG फॉर्मेट में रखना है, ठीक है, क्योंकि और कम MB में होना चाहिए, पहली बात कंप्रेस्ड फाइल होना चाहिए, नहीं तो अपलोड नहीं होगी। फिर ये सब चीज़ें करने के बाद में दो चार कन्फर्मेशन मेल आएंगे, कन्फर्मेशन मेल में अगर मान लो आपका कन्फर्म हो जाता है तो 6 दिन बाद पक्का आपको मेल पर मैसेज आ जाएगा कि भाई आपका वीज़ा हो गया है, लग गया है ऐसा वैसा, और उसके बीच में आप चेक भी कर सकते हो कि भैया कौन सा क्या स्टेटस चल रहा है, हुआ कि नहीं हुआ। और कभी मान लो वो अपना फेल हो जाता है, ठीक है, फेल हो जाता है तो कुछ भी नहीं है, आपके जो पैसे हैं वो वैसे के रहेंगे, आप फिर से वापस डाल सकते हो रिक्वेस्ट। तो इस बार वापस से ध्यान में रखना कि आपने बस का टिकट जो रहता है अपना वो आपने PDF में ढंग से डाला हो, आपकी फ़्लाइट का टिकट जो हो वो PDF में डाला हो, पासपोर्ट PDF में डाला हो, और पोस्टविथ का, मतलब एवरीथिंग विल बी ऑन PDF एक्सेप्ट फोटोग्राफ पासपोर्ट साइज, ठीक है। ये सारी चीज़ अपलोड करने के बाद में आपको EVISA प्रोवाइड हो जाएगा। और मैं तो ये बोलूँगा कि पहले आप एयरलाइन का टिकट करो, फिर उसके बाद में बस का टिकट करो, फिर ही ये अपने ये EVISA वगैरह की प्रोसेस को प्रोसेस करना आगे के लिए, वरना दिक्कत हो जाती है फिर आपको अपने क्या बोलते हैं फेक बस टिकट कराना पड़ेगा, फिर फेक एयरलाइन टिकट कराना पड़ेगा, बहुत सारी चीज़ों का अलग पैसा बर्बाद करना है। उसके बाद में जब अपन मोलदोबा पहुँचते हैं, ठीक है, तो मोलदोबा पहुँचने के बाद जब आप बस वगैरह कर लोगे ना सारी चीज़ें, अगर आपने पहले से बस करी होगी तो आपको वहाँ पर बस रिसीव करने आएगी एयरपोर्ट पे, अगर बाद में करते हो तो फिर वहाँ परेशानी हो जाएगी, क्योंकि फिर आपको कम से कम 500 लीव जो कि मोलदोबा की करेंसी है उसको कम से कम निकाल कर करना पड़ेगा। हाँ, अगर और कुछ काम वगैरह है तो भले कार्ड वगैरह चल जाएगा, पर टैक्सी वाले के पास में कार्ड चलने वाला नहीं, तो इसके लिए आपको कम से कम 500 लीव तो होना चाहिए हाथ में, ठीक है। फिर अपन वहाँ पर अपने एयरपोर्ट से बस स्टैंड से अपन को अपने ओडिशा आना है, ठीक है, मैं ओडिशा आया इसके लिए मैं ओडिशा का बता रहा हूँ, बाकी अगर आपको लीव जाना है या चरनविच के जाना है या डेनुप्रो जो भी, तो उधर के लिए अलग बस आपको करना पड़ेगी, वो तो आपको पता होगा, है ना। फिर उसके बाद में अपन को कुछ नहीं करना है, जैसे अपन वहाँ पर आते हैं बस वगैरह में बैठना है, फिर आती है मोलदोवा की बॉर्डर। अब दो बॉर्डर आती है भाई वहाँ पर, पहले आती है प्लांका बॉर्डर, ठीक है, ओडिशा के लिए। तो प्लांका बॉर्डर में जैसे अपन क्रॉस करेंगे तो वहाँ पर आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, तो आपको पासपोर्ट ले लेंगे वो लोग, और पोस्ट विथ का नहीं देना है आपको, ठीक है, पर आपको EVISA जो था मैंने बोला था हार्ड कॉपी में रखना है, वो आपको ज़रूर दिखाना होगा उनको। फिर उसके बाद में अगर कोई दिक्कत नहीं आएगी, मतलब नहीं होगी, जैसे सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह क्लियर रहेंगे, तो आपको आधे घंटे के अंदर करीब वो बस रोक के रखते हैं, सारी चीज़ें उसको वेरीफाई करते हैं, उसके बाद में वो आगे जाने। फिर एक और नेक्स्ट बॉर्डर आती है यूक्रेनियन बॉर्डर, वहाँ पर आपका पासपोर्ट, इस बार आपका ये मोलदोवा का EVISA नहीं लगेगा, आपका पोस्ट विथ का चाहिए रहेगा उनको, ठीक है। फिर वो लोग जब सब लोगों का हो जाएगा फिर शायद आपको बुलाएंगे वो लोग, शायद कि मुझे कन्फर्म बुलाया था तो इसके लिए आपको भी बुलाएं, वहाँ पर आपके फिंगरप्रिंट्स लेंगे, उसके बाद में वो लोग आपको जान देंगे, वो दो चार बातें करेंगे वगैरह कि भैया ओडिशा जा रहे हो, अच्छा अच्छा मेडिकल स्टूडेंट हो, हाँ, ऐसा करके बातें इतनी थोड़ी बहुत करेंगे बस, और फाइनली आप वेलकम टू यूक्रेन। बस इतनी सी बातें, चीज़ें ध्यान रखना है। अब जैसे मैंने ट्रैवल किया अकेले तो मेरे को बहुत डर लग रहा था, क्योंकि मेरे सारे जितने साथी वाले लोग थे सब लोग आ चुके थे, तो बाकी कोई दिक्कत नहीं हुई। अभी अपन फ्लैट में रह रहे हैं मस्त, कॉलेज के जस्ट पास में, इधर लाइट वाइट भी है, और मैं ये बोलना चाहता हूँ कि हाँ भाई लाइट वाइट जा रही है, बाकी कोई इतनी इशू नहीं है, ठीक है। अब बहुत सारी वीडियोस वगैरह है कि भाई ब्लैकआउट हो गया फलाना, हाँ हो रहा है, ब्लैकआउट वगैरह हुआ कुछ दिन के लिए, दो तीन दिन के लिए हुआ, बाकी लाइट आ रही है जा रही है, आ रही है जा रही है, क्योंकि कुछ चीज़ें नई बन रही हैं इसके लिए, ठीक है। तो ये है कि भाई पैनिक नहीं करना और स्टे स्ट्रॉन्ग, और फिर मिलते हैं अपन तब तक नई वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू। और हाँ, ये बाय जाए आने वाने वाली बात तो ठीक है, पर आप पहले जाके सब्सक्राइब करो, और अगर ये इन्फॉर्मेशन इन्फॉर्मेटिव लगे तो आप जाकर पहले तो इसको शेयर करो, आपके जो भी दोस्त आने वाले हैं या फिर प्लान कर रहे हैं आने का जैसा भी, तो उनको
उनको पता लगना चाहिए कि कैसे क्या वीज़ा लग रहा है। अगर आप कोई अलग बॉर्डर का, वैसे तो वो यूजुअली बच्चे मोल्दोवा का ही लगवा रहे हैं तो फिर मोल्दोवा के लिए ही ई वीज़ा लगेगा, ठीक है। बाकी आप अगर ट्रांजिट वगैरह जैसे जो रहता है अपना, आप इस्तानबुल उतरे या पोलैंड उतरे, इधर का कुछ कुछ नहीं लगता है, सिंपल सा है बस कि आपको मोल्दोवा का वीज़ा लगवाना है, ठीक है। तो सारी चीज़ अगर आपको समझ में आई हो तो प्लीज़ शेयर करना वीडियो को अच्छे से। थैंक यू सो मच, बाय बाय।